जय हिंद साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान के सीरीज में भाग एक अनुच्छेद एक से लेकर चार तक पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान के विकास, संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा, इन सभी तथ्यों को पढ़ लिया। अब हम लोग भाग एक, भाग दो, भाग तीन, इसी तरह करके संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज क्रमवार रूप से आगे लेकर चलेंगे। यह इलनी भी दुर्गेश के नोट्स के आधार पर संपूर्ण व्याख्या होगी। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो नोट्स है आप टेलीग्राम से या इलनी भी दुर्गेश के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारे सामान्य दिन की सीरीज में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो भारतीय संविधान की भी होती है। और क्रमवार रूप से हम लोग सीरीज को पढ़ते चलेंगे ताकि आप भी इस बार अपना एक सीट अपने नाम कर सके। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद एक, लेकिन उसके पहले में जान लेते हैं भाग एक क्या है। तो पहले ही सवाल कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भाग एक क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक से लेकर चार तक के बीच में इसका वर्णन किया गया है। हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक क्या है? भारत जो कि इंडिया एक राज्यों का संघ है, माने भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान में भारत को भारत तथा इंडिया दोनों कहा गया है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है, तो उसका नाम है भारत। आपने सुना होगा भारत के प्रधानमंत्री आए, भारत के प्रधानमंत्री गए, भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो भारत का नाम इंडिया नहीं है, भारत है, लेकिन हम दोनों कह सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है, माने इंडिया दैट इज भारत। यहाँ पे यूनियन माने भारत क्या है, यह राज्यों का संघ है, यह आपकी परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है। दूसरा, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौता परिणाम नहीं है, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को संघ से अलग रहने की कोई भी अधिकार नहीं है। माने ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश के मैं कल से अलग रहूंगा, अरुणाचल प्रदेश के नहीं मैं कल से अलग रहूंगा, केरला के नहीं मैं परसों से अलग रहूंगा, ऐसा नहीं है। भारत राज्यों का संघ है और सब एक साथ मिलकर रहेंगे और एक साथ ही रहेंगे, कोई अलग नहीं हो सकता, कोई टूट नहीं सकता। यहां से परीक्षा में आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब हम और आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें संघ की, तो फेडरेशन, तो अमेरिका क्या है? अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका फेडरेशन है, यह एक समझौते का परिणाम है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। लेकिन भारत क्या है? संघ है। यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फेडरेशन कौन है, तो अमेरिका जो है वो फेडरेशन है, जबकि भारत राज्यों का संघ है। याद करिएगा, परीक्षा में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब हम और आगे चलते हैं, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। यहां पर हम लोग ध्यान से देखते हैं जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। अब भारत राज्यों, भारत का जो राज्य क्षेत्र है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, भारत में राज्य कितने, ये सवाल आता है कि भारत में राज्य कितने। तो भारत में अगर राज्य की बात की जाए तो जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। 28 राज्य। अगर राज्य क्षेत्र की बात की जाए, अगर हम राज्य क्षेत्र की बात करें या हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित क्षेत्र, इनकी संख्या 8 है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, हम इसे चार भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक है राज्यों के क्षेत्र, फिर संघ क्षेत्र, फिर सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र, माने जो सरकार ने अर्जित किया है। कैसे? तीन तरह से, एक समझौता करके। समझौता करके कौन कौन से राज्य क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं? एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा सिक्किम, ये दोनों याद रखिएगा, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। युद्ध द्वारा गोवा, तो गोवा को सरकार ने, भारत ने अर्जित किया, किसके माध्यम से? युद्ध के द्वारा। अगर अध्यर्पण के द्वारा देखा जाए तो पुदुचेरी क्या होगा? पुदुचेरी किससे? फ्रांस ने दिया। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, यह आपको प्रायः परीक्षाओं में पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, और बहुत सारी महंगी महंगी किताबें पढ़ते हैं तब आपको चीजें मिलती हैं, लेकिन आपको इलनी भी दुर्गेश के नोट्स में एक जगह मिल जाएगी ताकि आप सिलेक्शन ले सके। जहां जरूरत पड़े आप इसकी क्लास की स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद दो की। क्या करेंगे? अनुच्छेद दो की बात। संसद को संघ के नए राज्य में प्रवेश, स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। ये सवाल आता है कि राज्यों के नाम बदलना हो, उनकी सीमा परिवर्तन करने हो, नए राज्यों की स्थापना करना हो, प्रवेश करना हो, त-
तब यह अधिकार किसके पास है? तो सारे अधिकार हमारे देश के संसद, भारतीय संसद के पास है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में इसका जिक्र किया गया है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें। हम आगे बढ़ते हैं। यह निशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। चलिए अब यहां पर हम और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 3 यह भी काफी महत्वपूर्ण है। नए राज्यों का निर्माण या क्षेत्रों को बढ़ाना या घटाना या सीमा में परिवर्तन करना या नामों में परिवर्तन करना ये साधारण बहुमत के द्वारा होता है। परिवर्तन संसद करेगा विधेयक लाकर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी फैक्ट चीज इसमें क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल को मत जानने के लिए भेजता है, जिसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत जो राष्ट्रपति निर्धारण करे उसमें जवाब भी देना होता है। जब परिवर्तन करना होता है, नए राज्य का निर्माण करना होता है, क्षेत्र बढ़ाना होता है, घटाना होता है, सीमा परिवर्तन करना होता है, नाम बदलना होता है, ये साधारण बहुमत से होता है। संसद करेगा लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद विधेयक लाएगा और राष्ट्रपति उस संबंधित विधानमंडल से भी मत जानने का प्रयास करेगा एक निश्चित समय सीमा के अंदर। भैया इतने दिन के अंदर हमको बता दो, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना, जो भी राष्ट्रपति निश्चित करे। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। हम और आगे चलते हैं आपके साथ। अब हमने देखा अनुच्छेद 4 क्या है। अनुच्छेद 4 के बारे में, क्योंकि यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, अनुच्छेद 2 और 3 ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 2 और जो 3 है आपका, उसमें संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। माने अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है, माने अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधान में कोई संशोधन हो रहा हो तो उसे संविधान संशोधन के रूप में गिना जाएगा अथवा नहीं। मतलब यहां पे ये कहा गया है कि अगर 368 के तहत अगर संविधान में कोई संशोधन हो रहा है तो उसे संविधान संशोधन में के रूप में गिना जाएगा अथवा नहीं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में इसका जिक्र किया गया। ये प्रमुख अनुच्छेद थे, उनके बारे में हमने आपको बता दिया, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो राज्यों का जो पुनर्गठन था, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं भाग 1 से है। तो चलिए क्रमवार रूप से पढ़ते हैं। यहां आपको शॉर्ट में एक ही जगह लेने की दुर्गेश पर आपको मिल जा रही है, इसलिए इसकी जहां जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए है, क्योंकि अभी की बार आपको फतह करना है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, आपको याद होगा ये बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन करने की मांग उठने लगी। इसके तहत 27 नवंबर 1947 मतलब हम यूं कह सकते हैं 27 नवंबर 1947 पर भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। कौन सा आयोग? एस के धर आयोग की नियुक्ति की जाती है, आयोग बनाया जाता है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है जहां से परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। एस के धर आयोग भाषाई प्रांत आयोग में 4 सदस्य थे। ये 4 सदस्य ही एक टीम थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ध्यान से देखिएगा, अस्वीकार करते हुए प्रशासनिक आधार को राज्य को पुनर्गठन करने की बात की। माने एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को खंडित किया, कहा ऐसा न हो, बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात एस के धर आयोग के 4 सदस्यीय टीम ने कहा। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख ले। अब हम देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण में क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। कितने विकल्प? 3 विकल्प दिए गए। कौन कौन? पहला भारत में शामिल हो जाए, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र है। हम यूं कह सकते हैं कि जो देशी रियासतों का एकीकरण था, लॉर्ड माउंटबेटन का जो घोषणा पत्र था, जो लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से कहा गया था कि कोई भी प्रांत चाहे रियासत चाहे स्वतंत्र रह सकता है या भाषाई आधार पर गठित देश भारत, सॉरी धार्मिक आधार पर भारत, हिंदू बाहुल क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पाकिस्तान, चाहे वो भारत में जुड़े चाहे पाकिस्तान में चाहे स्वतंत्र है। तो उसमें से आपने देखा कि कश्मीर भी स्वतंत्र रहने की बात कहा था। आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ें और हम उन्हीं तथ्यों को लेकर आएंगे जहां से आप सिलेक्शन ले सके। अगर हम देशी रियासतों के एकीकरण की बात करें तो यहां पर 552
देसी रियासतों भारत के भौगोलिक सीमा में, जिसमें 549 भारत में शामिल हो गए। कितने? 549 भारत में शामिल हो गए। लेकिन जूनागढ़ नहीं सम्मिलित हुआ, तो वहां पे जनमत संग्रह करा के भारत में सम्मिलित किया गया। कश्मीर ये विलय पत्र के द्वारा राजा हरि सिंह के हस्ताक्षर के बाद भारत में सम्मिलित किया गया। हैदराबाद रियासत ये सैन्य कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो, ये पूछा जाता है कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन पोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो हैदराबाद रियासत था उसे भारत में सम्मिलित किया गया, मिलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब हम और आगे चलते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आगे है आपके सामने, भारत में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत हैदराबाद था। कौन सा रियासत था? हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो के बाद। 1950 में सरकार ने भारतीय संघ के राज्यों को चार श्रेणी में बांट दिया। 1950 में भारत सरकार ने भारतीय जो संघ के राज्य थे उनको चार श्रेणियों में बांट दिया। पहला भाग क, पहला भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, चार श्रेणियों में इस तरह से विभाजित कर दिया। अब हम इसके और आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग से निवेदन है कि सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के लिए आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के। अब जब टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे इस तरह से, तो आपको सभी क्लास वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा, निःशुल्क क्लास की लिंक सब कुछ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, या ई लर्निंग पे दुर्गेश की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसमें 3 सदस्य थे, जे फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पटाभी सीता रमैया। इसे जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है, जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। तो जेवीपी जो समिति थी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, किसके अपनी रिपोर्ट में, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। उसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का जो राज्य तो पुनर्गठन था, इसको उसने भी क्या किया, अस्वीकार कर दिया। मद्रास से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करने के लिए अमर अंसर पर कौन बैठा, पट्टू श्री रामल्लु। ये 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, 15 दिसंबर 1952 को। ये क्या करते हैं, मद्रास से, ध्यान दीजिएगा ये सवाल आता है कि मद्रास से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करने के लिए आमरण अनशन पर कौन बैठा, पोट्टू श्री राम मल्लू। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात, समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है ना, या किसी के मन में कोई सवाल कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कि हमें चाहते हैं कि आप सिलेक्शन के लिए और करीब पहुंचे। अब हम देखते हैं कि मद्रास से कौन तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने के लिए आमरण अनशन पर पोट्टू श्री रामल्लू बैठते हैं। 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, 15 दिसंबर 1952 को। इस प्रकार 10 मतलब इस प्रकार 1 अक्टूबर, इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। उनके मृत्यु के बाद सरकार के ऊपर दबाव बना, जिससे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य बन गया। आप लोग यहां से किसी को जरूरत हो, समस्या हो, पूछ लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश, यूट्यूब इलनी विद दुर्गेश, ऐप इलनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम भी इलनी विद दुर्गेश। हाँ, जहां से मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद भी देश में अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग धीरे धीरे उठने लगी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। आइए जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या क्या था, इसका निर्माण कब होता है। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, जस्टिस कौन, फजल अली, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, फजल अली ये जस्टिस थे। अन्य सदस्य के थे पटियक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो थे, लेकिन फजल अली पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, फजल अली। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण थी। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, क्या किया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसलिए इसे कभी कभी फजल अली आयोग के नाम से भी जानते, क्योंकि अध्यक्ष फजल अली जी थे, इसलिए इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये हो सकता है आपको परीक्षा में पूछ दे यही। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। अपनी रिपोर्ट में इसने अपने बात को स्वीकारा कि राज्यों की पुनर्गठन भाषा को मुख्य आधार बनाना जाना चाहिए, लेकिन इससे एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। माने एक राज्य एक भाषा, ऐसे तो भारत में हजारों राज्य बन जाएंगे, इसलिए इसने स्वीकार कर दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय केवल भाषा व संस्कृत पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि निम्न बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। माने भाषा संस्कृति पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्य कई बातों पर ध्यान देना चाहिए जो क्रमवार रूप से हम पढ़ने जा रहे हैं। ये राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग कहते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया, जो 56 में जाकर पारित होता है। पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के रूप में पारित होता है। आइए उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या क्या था? पहला, देश की सुरक्षा, ध्यान दीजिएगा, देश की सुरक्षा। दूसरा, वित्तीय आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरा, पंचवर्षीय योजना को लागू करने की क्षमता। तो यहां भी ये सारी चीज जरूरी थी। ये तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, ध्यान देने वाली बात थी, जिस पर फजल अली आयोग, या हम यूं कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का यह कहना था। स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, अब हम और आगे चलते हैं। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए ठीक है। आयोग ने सलाह दी, चार श्रेणियों में जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया, चार श्रेणी था, 1, 2, 3, 4, क ख ग घ, इसे समाप्त कर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। मान लो समाप्त कर दिया जाए, चार श्रेणी को समाप्त कर दिया जाए, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। अच्छा, शुरुआत में कितने राज्य थे पता है? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित क्षेत्र थे। ठीक है। संविधान में 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में राज्यों के चार श्रेणियों क ख ग घ को समाप्त कर दिया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। 1 नवंबर 1956 को जो 7वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा चार श्रेणियों को रद्द करके कितना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया या बनाया गया। अब हम और आगे चलते हैं। 1956 के बाद लगातार राज्यों का क्रम बनता गया। आइए आज उनको हम लोग पढ़ते हैं कि उसके बाद कितने और राज्य किस किस क्रम में बने हैं। तो यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा कि 1956 के बाद, ध्यान दीजिएगा, बनने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 15वां राज्य गुजरात बना। 1 मई 1960 को द्विभाषी राज्य मुंबई को 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में विभक्त कर दिया गया। और फिर भारत का पहला वाला 15वां राज्य नक्शे में दिखा गुजरात के नाम से। 16वां नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग करके बना। 17वां राज्य हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब में हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके बनाया गया। 18वां हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। 1972 में तीनों को पूर्ण राज्य मिला। 19वां मणिपुर, 20वां त्रिपुरा, 21वां मेघालय। एकदम स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी, सिलेक्शन लेना है आपको। 22वां राज्य सिक्किम, इसे 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। 22वां सिक्किम था। 23वां 1987 में पूर्ण राज्य बना मिजोरम। 24वां अरुणाचल प्रदेश। 25वां गोवा। यह 1956 के बाद बनने वाले प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश और राज्य थे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम और आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 26वां छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, 27वां उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को, 28वां झारखंड 15 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 29वां तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। आइए इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने जानने का प्रयास करते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि 5 अगस्त को 2019 कश्मीर
एक राज्य था, इसे समाप्त कर दिया जाता है। जो अधिनियम आता है माने 31 अक्टूबर 2019 से केंद्रशासित राज्य नहीं रहता। अब राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 28। अब केंद्रशासित प्रदेश पहले कितने थे? 7 थे, तो 2 नए बनते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 9 हो गए। लेकिन फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि 26 जनवरी 2020 में दमन दीव दादरा नगर हवेली को मिला दिया जाता है। अब केंद्रशासित प्रदेश संख्या 8, राज्य कितने हो गए? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा, यह केंद्रशासित प्रदेश बन गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से। इसलिए भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जिस दिन आप यह सीरीज पढ़ रहे हैं तब तक के लिए यह सीरीज आप लोग को, देखिए आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश, ध्यान से मैं यहाँ पे बता दूं, ई लर्निंग विद दुर्गेश अगर ऑफिस से जुड़ सके तो यहाँ पर आप घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से लाइव चलती है। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करेंगे, निःशुल्क क्लास मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, पेज को लाइक करिएगा और फॉलो करके रखिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो, मेरी भी आईडी है क्योंकि मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ टाइम बचने के बाद, तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। दुर्गेश अशोक जायसवाल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से है, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। इसके बाद अगली वीडियो लेक्चर में हम आपके नागरिकता लेकर आएंगे। यहाँ पर आज हम लोगों ने यह पढ़ा भारत राज्यों का संघ है, जहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और मैंने बता दिया कैसे कैसे केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, किस क्रम में बने हैं। ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार, ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद मेरा छोटा सवाल है, मैं आपको जरूर पूछना चाहूंगा, आप बताइएगा कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम क्या क्या है, तो आप 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताएंगे। वैसे आपको सभी राज्यों के नाम और उनकी राजधानी याद करके रखनी चाहिए, 2800 राज्य की राजधानी और उनका लोकेशन कहां पे है, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश कहां पे है उनकी लोकेशन भी याद करके रखनी चाहिए। आज की क्लास यहां पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप के साथ। थैंक यू। हाँ, आप लोग को भी धन्यवाद, क्योंकि वीडियो को शेयर तो आप लोग ही करेंगे, हम तो करेंगे नहीं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी, और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी, और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012।